हाय एवरीवन, आई एम मीतू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक सिंपल आटे से 7 तरह के पराठे बनाना, और जो कि बहुत इजी हैं। मैं आटा तो एक ही लूँगी, बट उसी में ना मैं डिफरेंट तरह के पराठे बनाऊँगी, और जो शेप्स में अलग होंगे बट टेस्ट वाइज वो एक ही होंगे। खासकर ये उन बच्चों के लिए हैं जो चपाती खाने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, तो उनको ना खुश करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप के आप पराठे बना सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं। तो इसके लिए लूँगी मैं 2 कप के आसपास व्हीट फ्लार, और मैंने ना बहुत सारे ग्रेन इसी में मिक्स किए हुए हैं। तो ये मेरा मिक्स ग्रेन आटा है, आप भी इसी तरह खा सकते हैं, बट अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अच्छे पराठे बनाने के लिए हमेशा आटे को बहुत अच्छा नीट करना है। ये लिया है मैंने 1/2 स्पून के आसपास अजवाइन, और इसको मैं ना हाथ से ही ऐसे क्रश करके आटे में मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें 3-4 पिंच हींग, हींग इसमें मस्ट है। और अब मैं डालूँगी 1/2 स्पून के आसपास नमक। नमक डालते ही मैं इसमें डालूँगी 2 स्पून के आसपास वेजिटेबल ऑयल, एंड वेजिटेबल ऑयल डालते ही मैं इसको अच्छा सा मिक्स करने लगूंगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको नीट करूंगी। ध्यान रखिए, आटा नीट करने के लिए कभी भी पहले से ही ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो वो पतला भी हो सकता है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी ही डालिएगा, देन इसको धीरे धीरे नीट करते रहिएगा, और इसको ना अच्छे से नीट कीजिएगा, जिस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ। अच्छे से इसमें मुठियाँ लगा लगा के अच्छे से इसको नीट कीजिएगा। जितना अच्छा आपका आटा बनेगा उतने ही अच्छे आपके आटे बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आटा लगाने के बाद ना आटे को 20-25 मिनट के लिए ढककर ज़रूर रखें, जिससे कि वो पूरा ग्लूटेन फॉर्म में आ सके। ऐसा करने से ना पराठा या रोटी बहुत ही स्टफ बनती है और बहुत ही खाने में भी अच्छी लगती है। अब मैं इसको 20-25 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी, बाद में मैं चेक करूँगी। ये देखिए, मैंने बाद में चेक किया है, प्लेट लगा के रख दिया था मैंने पहले ही। अब मैं इसको फिर से नीट कर रही हूँ, एक बार और मैं इसको अच्छे से नीट कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छा सा थोड़ा सा लचीला हो जाए। वैसे ज़रूरत नहीं थी, अपने आप ही बहुत अच्छी फॉर्म में आ गया था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा मैं और नीट कर लेती हूँ, उससे कुछ नहीं जाएगा। अब मैं इसका एक पेड़ा लूँगी, और तवे को मैंने फ्लेम पर रख दिया है। ध्यान रखिए, फ्लेम अपना मीडियम ही रखें, इसको ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल जाएंगे पराठे। अब मैं इसको अच्छे से डस्ट करूँगी ड्राई आटे में, ये देखिए, और अच्छा से इसको बेल लूँगी बेलन की हेल्प से। ये ना सिंपल वाला मैं पराठा सिखा रही हूँ आपको, सबसे पहले ये एक रोटी की तरह आपको बेलना है, इसमें कुछ खास मेहनत नहीं है, इसको प्लेन पराठा ही बोलते हैं, बट ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं दूसरी भी इसी तरह से एक पेड़ा लूँगी आटे का, उसको भी मैं अच्छे से नीट कर लूँगी। वहाँ मेरा वो पराठा हो गया था, एक तरफ से थोड़ी थोड़ी चित्तियाँ आने लगे ना ब्राउन, तो उसको पलट लीजिएगा। देन मैं दोनों तरफ से उसको अच्छे से सेक लूँगी। अब कुछ पराठे मैं घी में बनाऊँगी, ये घर का ही मक्खन है, बच्चों के लिए मैं घी में बनाऊँगी, बट मैं घी का पराठा नहीं खाती हूँ, मैं अपना सेसमी ऑयल में बनाऊँगी। अब ये देखिए, मीडियम ही फ्लेम रखा है, देन इसको दोनों तरफ से अच्छे से घी लगाइएगा, और आपका ये पराठा जैसे ही गोल्डन चित्तियाँ आने लगे ना, तो समझिएगा आपका ये पराठा एकदम डन है। आप देख भी सकते हैं, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी चित्तियाँ आ रही हैं, और अच्छे से इसको दबा दबा के सेक लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा फ्लेम बिल्कुल भी हाई ना रखें, नहीं तो ये सारे पराठे आपके जल जाएंगे। अब देखिए, इतने मेरा ये पराठा होगा ना पहले वाला, तो मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी, और दूसरा पराठा मैं बनाने वाली हूँ ट्रायंगल शेप का, और ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मेरा ये पराठा बिल्कुल डन है। अब मैं दूसरे पराठे की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक पहले बेल ली है लोई अच्छे से, अब उसको रोटी सा बना लिया, उस पर मैंने ऑयल लगा लिया। अब इसको हाफ को ना हाफ पे मैं चिपका दूँगी ऑयल से ही, देन दूसरे को भी मैं इसी तरह से पार्ट में कर लूँगी, इसको ट्रायंगल शेप पूरा दे दूँगी। देन आटे में डस्ट करूँगी और अच्छे से इसको बेल लूँगी। बच्चों को तो ना ये समोसा वाली शेप का पराठा लगता है, बट मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी वो उसे हल्की फुल्की भूख होती है, हमेशा इसी शेप का वो बनवा के खाता है। तो ये देखिए, ये भी पराठा मेरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसको भी सेक लूँगी, जैसे मैंने प्रीवियस वाला पराठा सेका था, दोनों तरफ से चित्तियाँ आ जाएंगी। एंड मैं इस पर घी स्प्रेड करूँगी और अच्छे से इसको सेक लूँगी। ये देखिए, बोथ साइड से मैं ऐसे ही करूँगी। बस ध्यान यही रखना है कि हमें हाई फ्लेम नहीं रखना है, इसको मीडियम पर ही बनाएं, बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे बनते हैं, ट्रस्ट मी।
आप ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। कुछ लोग ना बहुत हाई फ्लेम पर पराठे बनाते हैं, पूरे घर में धुआं हो जाता है, और सच बताऊँ वो पराठे भी ना जल जाते हैं, थोड़े कड़वे लगने लगते हैं। आप इस तरह से बना के खाइएगा। यहाँ मैं तीसरा पराठा आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये देखिए, जिसको हम स्क्वायर शेप पराठा ही बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ मेरा पराठा बिल्कुल डन है। मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन चिट्टी आने तक सेक कर उतार लूँगी। ये देखिए बोथ साइड से, ये मेरा सेकंड पराठा भी डन है। इस पराठे पर ना मैं अच्छे से ऑयल को स्प्रेड करूँगी। ये देखिए, रोटी बनाकर पहले और दोनों तरफ से परतों को इस तरह से रख कर बोथ साइड से, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये स्क्वायर शेप में मैंने इसको शेप दे दिया है। इसको बोलते हैं स्क्वायर शेप पराठा। और ये किसी भी वेजीज को इसमें डालकर आप वेज रोल भी बना सकते हैं, और ये सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरी कोई सब्ज़ी वगैरह सूखी ड्राई सब्ज़ी होती है ना घर में, तो बच जाती है, तो मैं उसको अच्छे से फ्राई करके ऐसा पराठा बना के इसको रोल अप करके बच्चों को दे देती हूँ, और उनको पता ही नहीं लगता कि हाँ ये वही सब्ज़ी है। बच्चों को लगता है कोई नई रेसिपी है। अब ये देखिए, यहाँ मैं चौथा पराठा की तैयारी कर रही हूँ। उधर मैं प्रीवियस वाला भी सेक रही हूँ घी लगा कर। घी वाले मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी। ये देखिए, बोथ साइड से मैं उसी तरह से उसको सेक लूँगी जैसे मैंने बाकी के पराठे अपने सेके हैं। ये देखिए, और बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनते हैं। इनको ताज़ा खाएं तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इनको ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, बट ट्रैवल में कभी भी घी के ना बनाएं, ऑयल के ही बनाएं। यहाँ मैं अपना फोर्थ पराठा बना रही हूँ। अब मैंने एक तरह रोटी सी बेल ली है, देन उस पर मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसको ना अच्छे से रोल अप कर लूँगी। ये देखिए, बहुत ईजिली हो जाता है ये। अब मैं इसको अच्छे से टैप करूँगी और इसको ना थोड़ा सा लॉन्ग में खींच लूँगी, और अब इसको अच्छे से एक रोल अप करके पेड़ा सा बना लूँगी। और ध्यान रखिए, इसको टाइट हाथ से बिल्कुल ना बेलें, इसको बहुत ही लाइट हाथ से आप अच्छे से बेलें, थोड़ा हल्का हाथ ही रखें, नहीं तो इसकी जो सारी परतें हैं ना वो आपस में चिपक जाएंगी, वो दिखेगा ही नहीं कि ये सेमी लच्छा पराठा है। ये होता तो लच्छे पराठे की तरह ही है, बट ये इंस्टेंट वाला लच्छा पराठा है जो आप जल्दी में बनाते हो। मैं आपको लच्छा पराठा भी बनाना सिखाऊँगी, बट ये सेमी लच्छा पराठा है, तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दूँ। ये देखिए, अब मैंने ये दूसरा भी लोई तैयार कर ली है, पांचवे पराठे की भी तैयारी कर ली है। वहाँ मेरा वो सिक रहा है, मैं उसको भी इसी तरह से दोनों साइड से अच्छे से ऑयल स्प्रेड करके सेक लूँगी। आप इन पराठों को ना अचार, करेले, आलू की सब्जी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। सूखी सब्जी के साथ आप रोलअप भी करके खा सकते हैं। इस तरह के पराठे ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसी तरह से पांचवा पराठा बनाऊंगी। मैंने एक रोटी सी बना ली है, देन उस पर ऑयल ग्रीस कर लिया है। ये मेरे देखिए चार पराठे बन चुके हैं। ये देखिए, अब मैं बनाऊँगी पूरा लच्छा पराठा, जो फुल लच्छा पराठा जिसे बोलते हैं। अब मैं इसको ना जिग जैग की तरह रोल अप करूँगी। ये देखिए, जिस तरह साड़ी की परतें होती हैं ना, हम अपनी प्लेटें लगाते हैं साड़ियों की, इसी तरह से इसको जिग जैग की तरह फोल्ड अप कीजिएगा। हल्के हाथ से ही कीजिएगा ये प्रोसेस। अब मैं इसको अच्छे से दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, बोथ साइड से इस तरह से दिखना चाहिए, लुक एट इट। अब मैं इसको ना हल्के हाथ से टैप करूँगी, थोड़ा खींचूँगी। ये देखिए, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब मैं इसको रोल अप करूँगी, और जो ये हिस्सा है ना, इसको नीचे की तरफ प्रेस कर दूँगी, और इसको डस्ट करूँगी आटे में, और फिर से मैं हल्के हाथ से इसको रोटी की तरह बेल लूँगी। और ध्यान रखिए, बहुत हल्के हाथ से इसको बेलें, वरना इसकी परतें आपस में चिपक जाएंगी, वो बिल्कुल भी लच्छा पराठा आपका निकल के नहीं आएगा। और ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। मेरे पास आज कोरिएंडर नहीं था, अदरवाइज़ कोरिएंडर हो तो आपके पास ज़रूर इसमें डालिएगा, उसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब मैं अपना छठा पराठा बनाने वाली हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने एक पेड़ा लिया है, छोटा पेड़ा, जितना पेड़ा पहले लिया था ना उसका मैं हाफ़ पेड़ा लूँगी। यहाँ मेरा पराठा बिल्कुल डन है, तो मैंने उतार लिया उसको। अब देखिए, मैं एक रोटी सी बेल रही हूँ, ये छोटी लोई है। अब एक लोई मैंने पहले से ही ऐसे तैयार करके रखी हुई है बेलकर। अब मैं दोनों को ऑयल लगाकर किनारों से चिपका लूँगी, बीच में से नहीं प्रेस करूँगी, साइडों से अच्छे से प्रेस करूँगी। अब मैं इसको अच्छे से दबा दबा के किनारों से अच्छे से डस्ट करूँगी, देन इसको रोल कर लूँगी। इस पराठे का ये फ़ायदा होता है, जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं ना और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो आप एक साथ इस तरह से पराठे बना सकते हैं, और इसमें से दो पराठे आपके बन के निकलेंगे, मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैं अपने लास्ट पराठे की भी तैयारी कर रही हूँ।
इतने मेरे वो सीखेगा, तो मैं इतने अपना लास्ट पराठा भी आपको बना के दिखाऊंगी। और ये भी बहुत इजी है, इसको मैं इसी तरह से रोटी बनाऊंगी। देन आलू का पराठा जिस तरह से स्टफ़ करते हैं ना, लॉक कर देते हैं उसको उठा के, इसी तरह से मैंने इसको लॉक कर लिया है सारे किनारे उठा के। एंड इसको प्रेस करूँगी, देन डस्ट करूँगी, देन रोल अप कर लूँगी। यहाँ मेरा पहला पराठा भी बिल्कुल डन है, दोनों तरफ से चित्तियाँ आ गई हैं, और मैं ऑयल लगा के अच्छे से उसको भी सेक लूँगी। और गाइस ये पराठे ना कोई इतने टफ नहीं होते, बस इनके नाम इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि हमको लगते हैं पता नहीं क्या होंगे, लच्छा पराठा, ये ट्रायंगल पराठा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत इजी पराठे होते हैं, आप देखा ना कितने मैंने आसानी से बना दी। लेकिन न्यू बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए थोड़े टफ हैं जो अभी चपाती ज़्यादा नहीं बनाते हैं। ये देखिए दो परतों वाला पराठा बन चुका है, मैं आपको दिखा रही थी वही। ये देखिए ये मेरे 6 पराठे बिल्कुल डन है, अभी लास्ट पराठा है, और मैं इसको भी इसी तरह से बना के बोथ साइड से सेक लूँगी, तो मेरे 7 पराठे बिल्कुल डन हैं। और ये एक ही आटे से बने हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं डला है, जो मैंने बताया है वही प्रोसेस आप कीजिएगा और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। जिन लोगों को चपाती बनाने में दिक्कत होती है वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आप इसी तरह से बना के देखिएगा, आपके भी पराठे ईजिली बन जाएंगे। तो इसी तरह से मैं लास्ट पराठा भी अपना सेक रही हूँ वो साइड से, ये देख सकते हैं। यहाँ बीच में अपना किचन भी क्लीन कर रही थी, आप देख सकते हैं मेरा पराठा बिल्कुल डन है। और ये किसी भी ड्राई सब्जी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।